अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए यूए क्लब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तुसां सारयां दी खिदमती विच माड़ी तरफों प्यार खलूस ते ताज़ीम नाल अस्सलाम वालेकुम। जिस नाज़रीन तुसीं सारे जानते हो कि 5 जून जिहड़ा वह आलमी सतह दा माहौलियात दी दिहाड़ी दे तौर उत्ते मनाया जांदा है और इस ज़िमन विच KCET सुण एक मुहिम का आगाज़ किया जिस विच असीं अपनी मादरी जुबान यानी कि पहाड़ी विच माहौल दे बारे विच कहन के बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो अपने सुनने वालियां तक अपने देखने वालियां नाल सांझियां करदे आं। नाज़रीन मैं कोई लम्मा चौड़ा बहस इस तरह ना कर सा, बिल्कुल निकी जी दो गल्लां तुसां को आखनियां मुझे जरूरी चढ़ सा समझता भी हाँ कि तुसां नाल ही करनियां चाहिए। सब तो पहले तो तुसां को पता ही हो सी कि जिहड़ा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है ये हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है और इस दिहाड़े की इस साल की जिहड़ी थीम आसी वह आसी बायोडायवर्सिटी। अगर अभी समझा कि बायोडायवर्सिटी के है तो बायोडायवर्सिटी भी बिल्कुल छोटिया लफ्जों में असं ये आख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं जो चरिंद परिंद हवा है पानी और बूटे जन ये सारे मिलकर जोड़ा एक निजामे जिंदगी बढ़ेंदे जिंदगी को जीने वास्ते उसको असी बायोडायवर्सिटी आखते हैं। वो किस वास्ते क्योंकि ये सारिया चीज़ा जीडिया एक ही दुए होता है मुनहसर होंगे असं इन्हों बगैर ना रह सकते ये चीज़ा असं बगैर ना रह सकती। तो इतों असं को मालूम होया कि असं एक ही दुए तय मुनहसर करते हैं और असी को ही एक दुए की सामभ संभाल करनी है। मुको याद है कई साल पहला जब मैं पहली बार करना गया सा तो करना थी बाग वेले थी उत्ते उस मोड़ में एक बोर्ड लग्या दा सा जिस तरह लिखा दा सा कि बूटा पहाड़ का संगी है बूटे बगैर पहाड़ नंगी है। तो सब बचू भी कितने सोहन ये बोर्ड देखे उसी मगर किसी सोहन इस तय शायद गौर ना किया उसी कि बूटा पहाड़ का संगी और उस बगैर पहाड़ नंगी आखिर ही अगर आखे गया है तो की आख्या है। बिल्कुल ये चीज़ मैं आखना अज अस्ती कौम अलहमदुल्ला और अस्ते खासकर लोग जड़े पहाड़ी लोग उन्होंने ये आगही आ ही गई दी है उस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि बूटिया की अफादियत क्या है पानिया की अफादियत की है। लेकिन इस वक्त जो COVID-19 का ये महामारी जी वबा इस वक्त चल रही है और इस वबा के चलद्या इसका अस्ती माहौल तक ही असर पे है। मैं हाल ही में एक लिंक शेयर किया सा जिस विच मैं इसको बड़े मतलब तफसील नाल ये पहाड़ी जुबान विच बयान कीते दी कोशिश की आसी तुसां अगर रखने की कोशिश की आसी कि तुसीं इस चीज़ा को समझो कि इंसान की मुदाखलत नाल अस्ता माहौल जड़ा है वह कितना मुतासर हो रहा है। इस वास्ते इस लॉकडाउन के चलद्या अस्ते माहौल तक के असर पे है उस नाल असं को इस समझने असं को इस सोचने और असं को इस ते बारे विच फिक्र करे दी एक तहरीक भी मिलती है कि आया कि अगर यही चीज़ा इसी तरह चलती रही क्या असी मुस्तकबल विच अस्ती जिहड़ी अभी नवी नस्ल आ रही है अस्ती जिहड़ी नवी पौध आ रही है असी उस वास्ते के तोहफा रख रहे हैं अस्ते पुरखा सुन जे कीता वो असां तिकर पहुंचिया असी ऐसा के कर रहे हैं जिहड़ा अस्ती इहदी नस्ल तिकर पहुंचे। खासकर मैं माहौल के तनाजुर में ये चीज़ा तो साझियां कर रहा ज्यादा दूर भी ना चलना अस्तियाँ अपनी पहाड़ी ग्रावों की अगर गल करा सिर्फ कुछ चीज़ा निकी निकी नहीं जिंदियाँ तुम करके अपने माहौल को बचा सकते हो। कट्ठे बिच कुड़ियाँ चार पाँच गियाँ पले धोने हुए या कुछ इजी सूरत हाल में अगर असं इस चीज़ का ख्याल रखा कि ज़्यादा गंद बला जी है कूड़ा करकट खासकर जोड़ा है वह अगर असी इस पानिया न सकता ये पानी साफ रह सी तो पानिया की आलूदगी को असं रुका सकते हैं। इसी तरह बारिशों का जोड़ा पानी आता है अस्तियाँ जिमिया रुड़ गया जिमिया भी जी नमी आती है जिमी जी जरखेज जिमी अस्ती आती है उस पानिया ना जिस वे पानी रुड़ गया तो उस ना उसके मैदनियात जड़े जिमी के वह भी रुड़ गए। इस वास्ते अगर असं निके 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 ढलान बढ़ा के रख स और कोशिश ये कर स कि बारिशों का जोड़ा पानी आता है उस जिमी बच्चे कुछ दिहाड़े एक हफ्ता दो हफ्ते या त्रै हफ्ते वो पानी अगर उत्थे जमा रहे तो उस नाल कि उसी जिमी की मैदनियात जिहड़ी उस जिमी खुद अपने अंदर जज़ब कर सी। और ये गल हमेशा याद रखो कि जिमी जिस वेले उन्हें चीज़ों को जज़ब करती है वह आप को नहीं रखती वह मोड़ के असं को ही वापस कर दी है क्योंकि कल जिस वक्त असी
ਜ਼ਿਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਦਨੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਅਕਸਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਗਰ ਐਨ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਟੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਟਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਸਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਸਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੋਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਨਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਸੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਆਖਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।